और आपको सीधे लिए चलते हैं पटना के गांधी मैदान, जहां तेजस्वी यादव रैली को संबोधित कर रहे हैं। हम जनता की अदालत में हैं और जनता ही आप लोग ही हम लोगों के मालिक हैं। आप बताइए, क्या हम दोषी हैं? क्या हम भ्रष्टाचारी हैं? क्या हम दागी हैं? तो इस अपमान का बदला लीजिएगा। और जो असली में जो भ्रष्टाचारी है, जो ईमानदार का चोला पहन करके जो घूमने का काम कर रहे हैं, उनको अच्छे से आप लोग पहचान लीजिए। फिर आएंगे जुमला लेकर के, फिर नई बातें लेकर के आएंगे, लोगों को उल्लू बनाने का काम करेंगे। इससे हम लोगों को सावधान रहना है। ये लोग दंगा फसाद कराना चाहता है, हिंदू मुसलमान में लड़ाना चाहता है। और जब तक सबसे बड़ी चीज इंसानियत होती है, जब तक इंसान नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा, इंसान नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत कौन करेगा, इंसान नहीं रहेगा तो गुरुद्वारा में मत्था कौन टेकेगा, इंसान नहीं रहेगा तो चर्च में जाकर के प्रेयर कौन करेगा। ये भाईचारा, यही हमारी देश की खूबसूरती है। अलग अलग राज्य है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग जातियां हैं, तब भी हम एक हैं। इस एकता को आप लोग बना करके रखने का काम कीजिए। और आज हम यहाँ लालू जी के पुत्र के हैसियत से नहीं खड़े हैं। ये जो धर्म अधर्म की जो लड़ाई है, आप सबों का धर्म पुत्र बन के मैं यहाँ खड़ा हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि इस धर्म पुत्र का आप लोग आने वाले समय में रक्षा करने का काम कीजिएगा। यही हम कहना चाहते हैं मित्रों, देश बचाइएगा ना, भाजपा भगाइएगा ना। ये लोग बड़े जहरीले लोग हैं, जहर और विष फैलाने का काम करते हैं आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग। हम लोग विकास की बात करते हैं, ये लोग विनाश की बात करते हैं। हम लोग प्यार की बात करते हैं, ये लोग टकरार की बात करते हैं। हम लोग जोड़ने की बात करते हैं, ये लोग तोड़ने की बात करते हैं। हम लोग भारत की बात करते हैं, ये लोग इंडिया की बात करते हैं। हम लोग स्मार्ट गांव की बात करते हैं, ये लोग स्मार्ट सिटी की बात करते हैं। हम लोग गरीबों की बात करते हैं, ये लोग अमीरों की बात करते हैं। हम लोग न्याय की बात करते हैं, ये लोग अन्याय की बात करते हैं। आप लोगों को इस न्याय का साथ देना होगा मित्रों। खास तौर पे युवा साथियों से अपील करेंगे कि सब लोग गोलबंद हो जाइए, एकजुट हो जाइए, लड़ाई के लिए तैयार होने का काम करने का काम कीजिए। प्रधानमंत्री जी बोलते थे, हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या महंगाई कम हुई? क्या रोजगार मिला? क्या चीन पाकिस्तान को सबक सिखाया? क्या किसान मजदूर की गरीबी दूर हुई? अरे ये पूंजीपतियों की पार्टी है, गरीब किसान का मुआवजा माफ नहीं करेंगे। लेकिन अदानी अंबानी पूंजीपतियों का बिना सोचे समझे माफ कर देंगे जितनी चीजें हैं। इसलिए आप लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। मोदी जी, ममता जी आई हैं, ममता जी का हम लोग स्वागत करने का काम करते हैं, अभिनंदन करने का काम करते हैं। क्या रोजगार मिला? क्या चीन पाकिस्तान को सबक सिखाया? क्या किसान मजदूर की गरीबी दूर हुई? ये पूंजीपतियों की पार्टी है, गरीब किसान का मुआवजा माफ नहीं करेंगे। लेकिन अदानी अंबानी पूंजीपतियों का बिना सोचे समझे माफ कर देंगे जितनी चीजें हैं। Thank you.
करेंगे। आप नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार दे देने का काम कीजिए। आप 15-15 लाख रुपए हर एक के खाता में दे देने का काम कीजिए। तमाम लोग, गरीब लोग, खुद ही स्वच्छ इंडिया, खुद ही मेक इन इंडिया, खुद ही डिजिटल इंडिया बनाने का काम कर लेंगे। और आप लोगों से हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते। हमारे अभिभावक लोग यहाँ उपस्थित हैं, ममता बनर्जी भी हैं, सब लोग यहाँ आए हैं। अपनी बातों को वो आप लोगों के सामने रखने का काम करेंगे। लेकिन एक बात मैं कह करके अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा कि आप लोग ये जान लीजिए, ये मंडल और कमंडल की लड़ाई है और सामाजिक न्याय की लड़ाई है, गरीब और अमीर की लड़ाई है, किसान की लड़ाई है, मजदूर की लड़ाई है। आप लोग, सब लोग से मैं अपील करूंगा कि सब लोग एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ने का काम कीजिए। एकता में ही शक्ति है और सबों को एक साथ लेकर हम लोगों को चलना है। मैं देश के वरिष्ठ नेताओं के सामने आपको शामिल करते हुए कसम खाता हूँ, कसम लेता हूँ कि जब तक बिहार और दिल्ली की गद्दी से इन धोखेबाजों को और जुमलेबाजों को नहीं हटाएंगे, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठने वाले हैं मित्रों। तो पटना के गांधी मैदान से तेजस्वी यादव का बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोला, आपने सुना। भाजपा भगाओ देश बचाओ रैली को वो संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम विकास की बात करते हैं और बीजेपी विनाश की बात करते हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।